हेलो ऑल, वेलकम टू योर ओन जोज किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसा टेस्टी यमी जो बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबको पसंद आता है। ये वाली डिश, इसे आप डेजर्ट कह लो, जेली कह लो या कुछ स्वीट्स कह लो, ये वाली रेसिपी सबका दिल जीत लेंगी और बच्चे तो बस आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए हम बनाना देखते हैं ये वाली सिंपल स्वीट डिलीशियस एंड ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने जो करिया है, करियों का छिलका निकाल लिया है और उसे रफली चॉप कर लिया है। ध्यान रखिए, ये जो करी है वो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। कुछ स्पेशल करी मिलती है बाज़ार में जो कि ज़्यादा खट्टी नहीं होती है, जो हम मुरब्बा के लिए यूज़ करते हैं उस टाइप की करी आपको लेनी है। तो एक करिया मैंने रफली चॉप कर ली है, इसे डाल दे रही हूँ मैं एक कढ़ाई में। इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है और इसमें शक्कर डाल के पका लेना है। याद रखिए, भूनने की वजह से जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर लगभग 250 ग्राम, कैरिया जो मैंने ली थी वो लगभग थी 500 ग्राम्स, तो उसके हाफ इतना क्वांटिटी आपको शुगर इसमें ऐड करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकती हैं। तो शुगर हमने डाल दी है, जब हम गैस पे इसे चलाएंगे तो शुगर अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी और करी में थोड़ा सा पानी है, इसकी वजह से इसका पानी भी छूटेगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो बस एक आधा चम्मच इसमें पानी ऐड कर लीजिए ताकि जो शुगर है वो अच्छे से गल जाए। तो उबाल आ रहा है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे तब तक पका लूंगी जब तक थोड़ा सा जो शुगर सिरप है वो थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। जब तक करिया पकती है तब तक हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना लेते हैं, क्योंकि ये वाली स्लरी जाने वाली है हमारे जाम में जो हमें हेल्प करेंगी। तो एक बॉल में मैंने लिया है लगभग 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें हम पानी डाल के इसकी स्लरी बना लेंगे और एक साइड रख देंगे। कॉर्नफ्लोर हेल्प करता है जेली की तरह टेक्सचर आने के लिए। कॉर्नफ्लोर की जगह आप अगर पाउडर या फिर चाइनीज़ ग्रास भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जेलेटिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो कॉर्नफ्लोर तो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, तो हम उसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर ही यूज़ कर रहे हैं जो कि सबसे बेटर ऑप्शन है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो करी है और शुगर सिरप है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। करिया आप देख सकते हो कितनी ट्रांसपेरेंट और कितना अच्छा सा कलर आ गया है इनको। अब ये जो हमारी करी का सिरप था, तो इन सारी करी को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम बारीक कर लेंगे। देखिए कितना मस्त कलर आ रहा है, एकदम गोल्डन कलर आ रहा है, चमक रही है हमारी करियां और खुशबू भी इतनी लाजवाब है कि पूछो मत। इन सारी चीजों को मैं ग्राइंड कर रही हूँ, ग्राइंड हो चुका है। तो कढ़े में हम जो हमने पहली कढ़ाई यूज की थी उसी में ये जो सारा हमने ग्राइंड किया हुआ मटेरियल है वो हम डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये मिश्रण हमारा अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता और कढ़ाई नहीं छोड़ता। एक उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी कॉर्नफ्लोर की स्लरी है वो। तो उबाल आ चुका है, अब हम इसमें हमारी कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर हेल्प करेगा
एक जो सारा हमारा मटेरियल है उसको जेली के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो कॉर्नफ्लोर स्लरी डालने के बाद आपको हल्के से चम्मच से चलाते जाना है, मीडियम फ्लेम पे हमें ये सब कुछ चीज़ें पकानी है। एक 4 से 5 मिनट इन सारी चीज़ों को लगेंगे जब तक कि हमारा जाम अच्छे से पक नहीं जाता। लीजिए, हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, कढ़ाई छोड़ रहा है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। आप इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हो जिससे वो दिखने में बहुत सुंदर लगे। तो अभी अच्छी थिकनेस आ चुकी है तो गैस को बंद कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छे से थिक हो चुका है। अब गैस को बंद कर लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे हम एक कंटेनर में भर लेते हैं। एक कंटेनर में मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है, इसमें हम इसे निकाल लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे और हमें इसे रेफ्रिजरेटर में 1 से 2 घंटे तक रख देना है। ठीक है, आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है, डीप फ्रीजर में नहीं रखना है, ये ध्यान रखिए। तो इस पे ढक्कन लगा के मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। अब आधा मिश्रण में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कलर ऐड किया है ताकि दिखने में बहुत ही यमी लगे। और ये आधा मिक्सचर भी एक दूसरे कंटेनर में मैंने निकाल लिया है, इसे भी फैला के अच्छे से ढक्कन से पैक करके रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देंगे और फिर एंजॉय करेंगे हमारा टेस्टी यमी मैंगो जाम। दो से तीन घंटे के बाद ये कंटेनर मैंने निकाल लिया है। अब चाकू की मदद से हम इसे निकाल लेंगे और इसके स्लाइस करके हम इसको एंजॉय करेंगे। सभी को ये वाली जेली ज़रूर पसंद आएगी, तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको क्या चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय।